अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद अनन्या जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? केक्स की रेसिपी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ शेयर की थी, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ओरियो मग केक बनाना सिखा रही हूँ, जो जस्ट 2 मिनट में मैंने बनाया था। बहुत ही आसान है, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये झटपट बनने वाला है। मेरा बेटा तो इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, तो ये मैं उसके लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी इसको ट्राई करें और यकीनन आप बहुत लाइक करेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रेसिपी को एंड तक देखना और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सिंपल सी चीज़ों के साथ बनाना सिखा रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जग लिया है और इसमें मैंने एक ओरियो का पैकेट जिसमें 4 से 5 बिस्किट थे, मैंने वो इस तरह से तोड़ के इसमें ब्लेंडर में ऐड कर दिए हैं। इनको हमने थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है, तो ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। दूध आप चाहें तो मेजर करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अंदाजे के साथ ही ऐड किया है। जब ये इसको हमने 2-3 दफ़ा दोबारा से चलाना है, तो ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट का फॉर्म दे देगा। अब नेक्स्ट हमने 1 by 1 इसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दी है। मैदा तकरीबन 3 चम्मच से 3 से 4 चम्मच और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। सिंपल यही चीज़ें हैं जो घर में मौजूद थी, वो हम ऐड करेंगे इसमें, और हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। ब्लेंडर को मैंने फिर से चला दिया है। बहुत अच्छे से हमने इसका रिबन कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से है। पेस्ट हमारा बन चुका है। यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा था और उसको इसके सेंटर में हमने रख देना है, और कुछ भी नहीं करना। ओवन को ओपन करना है और इसके 2 मिनट का टाइम लगा रही हूँ मैं, और अब हम इसको बनने का वेट करेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स हमारा ये केक रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने ओरियो काट के इसके ऊपर लगा दिया था। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन चुका है, बहुत अच्छे से इसको ये कुक हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि हम दूसरे केक को चेक करते हैं, मैंने इसको भी चेक किया था। ये साइड पे बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि ये ऊपर तक आ चुका था, और ये हम साइड से उतार देंगे और इसको भी हम इसके अंदर रख देंगे। अब मैं इसको चेक करवाने जा रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है स्पून की मदद से, और ये देखिए ये आपको दिखने में भी बहुत प्यारा है, इतना सॉफ्ट है, और माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हम इसको खाने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।